लोग के सामने आज ब्लॉग लेके आई हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे बनाना चाहिए। मैं आज एक नई जगह हूँ, दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जीबी पंत हॉस्पिटल। बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है। देखिए, ये हॉस्पिटल का बैक साइड है और इस हॉस्पिटल में मेनली हार्ट अटैक और ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मतलब ये उसी चीज़ का हॉस्पिटल है। दो तीन किलोमीटर के अंदर, और ये मैं उसके बैक साइड हूँ। ये इसका ओनली इमरजेंसी वार्ड है। तो यहाँ पे ना मुझे 4 दिन हो गए। तो एक जूस वाले भैया हैं, वो बड़े कॉमेडियन हैं। तो ये मुझे फ्री में भी पिलाई गई थी। तो नहीं, अभी हूँ मैं यहाँ पे, पी लूँगी। तो देखा आपने, तो यहाँ का स्टाफ, नर्स स्टाफ, डॉक्टर्स बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत ही प्यार से। और यहाँ पे ये मतलब 6 नंबर गेट का वो है। यहाँ पे सिक्योरिटी अंकल है, बहुत अच्छे अंकल है। उन्होंने मुझे जब मैं स्टार्टिंग में एंट्री मारी थी, तो 1-2 किलोमीटर के अंदर लाइन लगी हुई थी यहाँ पे, और मेरे पापा खड़े होने की हालत में नहीं थे बिल्कुल भी। और मुझे एंट्री चाहिए थी अर्जेंट, क्योंकि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे, तो वो अलग अलग बिहेव कर रहे थे, अलग मार रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। मुझे अर्जेंट एंट्री चाहिए थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है, उन्होंने मुझे एंट्री दी। मिलाती हूँ, वो कहाँ गए, वो दूसरे वाले सर कहाँ गए? अच्छा, वो चले गए। बहुत अच्छे अंकल हैं, उन्होंने मुझे एंट्री दी। तो ये दिखाती हूँ आप सबको मैं हॉस्पिटल। ये देखिए, ये ओनली न्यूरोलॉजी का जनरल वार्ड है। एक और स्टाफ है, मिलवाते हैं सबसे। ये बहुत अच्छे अंकल जी, ये बोल रहे कि मेरे साथ ही बनाओ। और यहाँ का स्टाफ बहुत सही है, मतलब लाइन में नहीं लगना पड़ा। मेरे पापा की कंडीशन ख़राब थी, आप सबको पता है, मैंने बताया अभी। तो मुझे एक और अंकल है वहाँ पे, उन्होंने बोलते ही एंट्री दी। इन्होंने बताया मेरे को, फर्स्ट टाइम आई थी इनके पास, मुझे लूटने की कोशिश की। मैंने 60 रुपए का सामान लिया, इन्होंने 70 काटा। पनीर बोला था, मैं कि दाल बिना पनीर काटा था। पनीर काटा तो दाल बोला था। पनीर नहीं, दाल ले रहे हो भैया? ठीक है, दाल ले रहे हो। होता है, होता है।
अपना नाम बताओ। इनको दीदी के लोग नाम बताओ। कहाँ बना रहे हो? अरे यार डरो मत, यूट्यूब पे है। और ये आ गए हम हमारे वाले फ्लोर पे। देखो दीपावली की सजावट, बड़ी प्यारी डेकोरेशन है। और ये न्यूरोलॉजी का जनरल वार्ड है। ये पापा है मेरे, इनके प्रॉब्लम अभी 4 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद इनका बॉडी बैलेंस खत्म हो गया और जो प्रॉब्लम वो वैसे की वैसी है। लेकिन अब हम सही जगह पे हैं, दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल। ये अच्छे से चल रहे हैं अब और थोड़ा रिकवर है, मतलब अच्छा ट्रीटमेंट है। ये देख लो न्यूरोलॉजी पेशेंट। पापा आपका नाम क्या है? बताओ क्या नाम है आपका? तो आप बोलने में देर हो गई। आपसे पूछ रही हूँ मैं। ये इनको कुछ याद नहीं है, मेमोरी भी इनकी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। जरूर चेक करना यहाँ पे, मतलब एक बार यहाँ का ट्रीटमेंट जरूर ले, क्योंकि बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है इस चीज़ के लिए। तो और मैं बोलना चाहूँगी मेरी सोशल फैमिली से, सोशल मीडिया फैमिली से, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। जहाँ मुझे ज़रूरत थी फाइनेंशियल, मेरी बहुत हेल्प हुई। और अभी भी मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और राजस्थानी यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छे भाई लोग हैं, जैसे महेंद्र गरेड़, दिनेश चौधरी, दिनेश गरेड़ के भाई, छोटे भाई हैं उनको, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है और सबसे करवाई है। काफ़ी लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो बस प्रे कीजिए, और अगर कोई अभी भी फाइनेंशियल कुछ भी जो जितनी कर सकता है उतनी हेल्प करें, तो आप फेसबुक पे मुझे सर्च करके मेरा वहाँ पे सारी डिटेल्स ले सकते हैं, सारी डिटेल्स हैं वहाँ पे। तो ये मेरा, इसको मैं ब्लॉग नहीं बोलूँगी, ये मतलब अच्छा लग रहा था, सोच रही थी मैं कि बना लूँ, मैं सब लोग को पता चले, सब लोग की विशेष ज़रूरी है। ऑडिशंस कैसे होते हैं, कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, सब कुछ। तो बस एक बार ठीक हो जाए तो मैं वहाँ पे कंटिन्यू वीडियोस लाऊंगी आप सबके सामने। तो बस सपोर्ट करो मुझे।